प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने वर्तमान सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया, जबकि उन्होंने पहले से ही नामांकन पत्र भी खरीद रखे थे। पार्टी ने उनकी जगह पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि वरुण की मां और सांसद मेनका गांधी को बीजेपी ने सुल्तानपुर से एक बार फिर टिकट दिया है। वहीं वरुण गांधी का टिकट कटने पर मां मेनका गांधी का भी बड़ा बयान सामने आया है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने पर भाजपा नेता मेनका गांधी ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी और मेनका गांधी ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये पार्टी का फैसला है। वरुण बहुत अच्छे सांसद थे, आगे भी जिंदगी में जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। वहीं वरुण गांधी द्वारा अलग से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। तो ऐसे में आइए आपको भी सुनाते हैं वरुण गांधी का टिकट कटने पर माँ मेनका गांधी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। जी, हम तो चुनाव के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। एक इलेक्शन खत्म होता है तो हम कभी एक मिनट के लिए रुकते नहीं। हम उन लोगों के लिए आसान होता होगा जो चार साल कुछ नहीं करते और फिर पांचवें साल में शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा लगाव लोगों के साथ है और हम कोशिश करते हैं कि पांचों साल हम उनके लिए काम करें। इसलिए इलेक्शन की तैयारी, इसको ही इलेक्शन की तैयारी बोलते हैं। दूसरा, बीजेपी के लोग यहाँ 5 साल से फैले हुए हैं, हर गांव में लोगों के साथ काम करते हुए खाका बनाया हुआ है, तो वो भी तो तैयार है। मुझे क्या कहना है इस पर, पार्टी जो फैसला करती करती है। लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में, और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। नहीं, ऐसे हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं। क्या मालूम क्या भविष्य होगा, जो भी होगा उज्ज्वल ही होगा। बता दें कि मेनका गांधी ने इससे पहले भी वरुण गांधी को पार्टी से टिकट न मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगाए जा रहे कयासों और टिकट मिलने में हुई देरी के कारणों का खुलासा किया था। मेनका गांधी ने बेटे वरुण गांधी का टिकट कटने पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ी बात कही थी। जब मेनका गांधी से पूछा गया था कि वरुण गांधी अब क्या करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि ये उनसे ही पूछिए। उन्होंने कहा कि अभी लंबा समय है, चुनाव के बाद इस पर हम बात करेंगे। वहीं गांधी परिवार के एक होने के कांग्रेस नेताओं के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं भाजपा में बहुत खुश हूं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया कि उन्हें सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार के 10 साल के दौरान वरुण गांधी को ना तो कैबिनेट में कोई जिम्मेदारी मिली और ना ही संगठन में। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 27 मार्च को जब नामांकन भरने का समय खत्म हो गया तो इन अटकलों पर भी विराम लग गया। मेनका गांधी की बात करें तो वो सुल्तानपुर से बीजेपी की सांसद हैं और पार्टी ने एक बार फिर उन्हें ही सुल्तानपुर से अपना उम्मीदवार चुना है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनके बेटे वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट दिया था, मगर इस बार वरुण का पत्ता कट गया है। बीजेपी ने इस बार वरुण का टिकट काटकर पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। आपको बता दें कि ये वही जितिन प्रसाद हैं जो साल 2021 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बता दें कि जितिन प्रसाद योगी सरकार में मंत्री भी हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। पहला ये कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, दूसरा ये कि सपा का दामन थाम लेंगे और तीसरा ये कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। मगर इन सभी अटकलों पर विराम लग गया जब वरुण गांधी की ओर से ये कहा गया कि वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद उनकी एक चिट्ठी आती है। इस चिट्ठी में पीलीभीत से टिकट कटने का दर्द साफ झलकता है। इस चिट्ठी में वो कहते हैं कि पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता, मैं पीलीभीत का था, हूं और रहूंगा। बता दें कि बीजेपी की चुनावी लिस्ट जब आई थी तब वरुण गांधी ने कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी और लिखा था कि एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा है, लेकिन पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के तौर पर नहीं तो बेटे के तौर पर सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।